लोग यहाँ पर ही जो धरना पे बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं? आज 12 रोज से कुड़कपनिया में बिजली की ज्यादा संकट है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है और प्रबंधन को बार बार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले भी जाम हुआ था लेकिन प्रबंधन को अब तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अंधकार में पूरा कुड़कपनिया डूबा हुआ है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पूरा चक्का जाम किए हुए हैं। जब तक ट्रांसफार्मर नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ चक्का जाम रखेंगे। हम लोग पूरा कुड़कपनिया के लोग को सब सही डिमांड लगता है। अगर ट्रांसफार्मर आप लोग अगर धरना पे बैठे हुए अगर नहीं लगा, बहुत जल्दी अगर नहीं लगा, इसके लिए आप लोग कौन सा कदम उठा सकते हैं? अभी तो हम लोग 2-3 घंटा के लिए बैठे हुए हैं, 2-3 घंटा के अंदर में अगर मैनेजमेंट की ओर से ठोस पहल अगर नहीं हुई, हम लोग को ट्रांसफार्मर चाहिए और जो बालीडी के जो बलराम सिंह जी ने चाहे ट्रांसफार्मर हमारे कंपनी के जो बनती है उनसे हमको बात करवा दें और ट्रांसफार्मर दें, नहीं तो अनिश्चित कार्य के लिए फिर हम लोग पटने पर मजबूर हैं। इसमें कोई दूसरा ट्रांसफार्मर भी लगाया गया था क्या? आया था हमारे 6.5 KV का ट्रांसफार्मर चाहिए, वो दिया था 5 KV का, 2 घंटा भी नहीं चला। जो धरना पे आप लोग बैठे हुए इसका खबर प्रबंधन को भिजवाया गया है क्या? भिजवाया गया प्रबंधन को, प्रशासन को, सब पे नजर में है। बारह दिन से लगभग ट्रांसफार्मर खराब है, पढ़ाई लिखाई में सब में दिक्कत हो रहा है। बच्चा लोग का भी पढ़ाई लिखाई अभी एग्जाम चल रहा है, शाम को भी दिक्कत हो जा रहा है और हम लोगों तो परेशान में है कि भारत त्योहार में भी हम लोग को लाइन नहीं मिला और यहाँ का जो ये है वो हम लोग को लॉलीपॉप जैसा ट्रांसफार्मर, मतलब एक तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि लाइन रहे चाहे नहीं, ट्रांसफार्मर दो मात्र 3 घंटा लाइन दिया उसके बाद खत्म हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, फिर वापस ले गया तो आज तक कोई चीज नहीं है। ये कौन सा स्थान है? ये बोकारो कोलियरी का पानी टंकी कुरपनिया का एरिया है जो यहाँ लाइन का 12 दिन से समस्या चल रहा है और पानी का तो समस्या छोड़ दे, पानी भी तो उसी तरह मिल रहा है, पानी कभी 1 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मिल रहा है 2-4 बाल्टी, उसके बाद यहाँ का नदी नाला भी सूख गया है, बहुत परेशानी हो रहा है। सर कैसे हम लोग पति करें, काम कैसे करें, बच्चा लोग पढ़ने नहीं सक रहा है, 12 दिन से तुम ले नहीं है तो दिक्कत हो ही रहा है, बच्चा लोग के कितना तकलीफ हो रहा है, ये तो चल रहा है थी ना एग्जाम चल रहा है, वही चलते भी पढ़ाई उतना भी नहीं हो रहा, बच्चा लोग कितना पत्ती से कितना पढ़ा रहा है, पानी का भी बहुत दिक्कत है, पानी तो लाइन नहीं हो, पानी नहीं है, लाइन मैंने बिजली नहीं रहने को जैसे पानी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा ना, पानी बीच में आप लोगों को एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिया गया था तो क्या वो सक्सेस नहीं किया? तो चार्ज करते ही साथ उड़ जाता, उड़ जाता ले गया। तो क्या कर रहा प्रबंधन? प्रबंधन तो अभी तक कुछ बताया नहीं किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 12 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है इसके वजह से यहाँ कुपनिया पंचायत के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 12 दिनों से जो ट्रांसफार्मर जो चल रहा है, बच्चों का जो अभी मार्च के दिनों में परीक्षा चल रहा है, इससे भी इन लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की वजह से पानी की जो उपलब्धता है वो भी नहीं हो पा रहा, नदी नाले कुएं सब सारे सूख गए हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए इन लोगों को ये लग रहा है कि ये काफी दिक्कत में है, परेशानी में है और प्रबंधन इसका सूझ नहीं ले रहा है। मैं बेरमो ऑनलाइन के लिए शिव प्रकाश पांडे कुरपनिया से।